और देश भर में कल जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस पावन पर्व के मौके पर चंडीगढ़ शहर के सभी मंदिरों को बड़े ही सुंदर और भव्य तरीके से सजाया गया। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखने को मिली। सनातन धर्म मंदिर के पुजारी महिपाल शर्मा ने कहा कि जन्माष्टमी के मौके पर मंदिर में भगवान श्री कृष्ण को बड़े मनमोहक ढंग से सजाया गया है। अलग अलग झांकियां भी बनाई गई। वही मंदिर में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो इसके लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए। कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और यहाँ पर अनेक प्रकार की झांकियाँ भी सजाई गई हैं। भगवान कृष्ण का झूला भी लगाया गया है जो सारा दिन चलेगा और रात्रि 12 बजे तक भगवान श्री कृष्ण की आरती और पूजा होती रहेगी। क्या क्या कुछ तैयारियाँ और क्या की गई? पूरे मंदिर को बड़ी धूमधाम से सजाया गया है और भगवान श्री कृष्ण से संबंधित झांकियाँ सजाई गई हैं। एक बार ये लोगों के मन में संशय है कि जो त्यौहार है राखी का पर्व भी अभी बनाया गया, वो भी 2 दिन रहा, अब जन्माष्टमी भी 6 तारीख को भी बोला गया था, 7 तारीख को भी, उसके पीछे क्या रखता है?